हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी विषय में पाठ 5 दोहे उसका अभ्यास देखेंगे। पेज नंबर है 29, यानी कि 29 पेज नंबर पे दिया है। यहाँ पे अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न एक है, जो आपको दोहे के गान करना है वो आप लोग करना। उसके बाद प्रश्न दो है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि यहाँ पे सबसे पहला शब्द है उद्यम। उद्यम शब्द है उसका अर्थ है परिश्रम। उद्यम शब्द का अर्थ है परिश्रम। तो यहाँ पे वाक्य बनाएंगे, उद्यम से ही सफलता मिलती है। उद्यम से ही सफलता मिलती है। उसके बाद है प्रकृति। प्रकृति जो शब्द है उसका अर्थ है स्वभाव। प्रकृति जो अर्थ है उसका अर्थ है स्वभाव। उसका वाक्य बनाएंगे, वह सरल प्रकृति व्यक्ति है। वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। उसके बाद तीसरा शब्द है खेल। खेल का अर्थ है कुशलता। खेल का अर्थ है कुशलता। उसका वाक्य बनाएंगे, मैं आप सबकी खेल चाहता हूँ। मैं आप सबकी खेल चाहता हूँ। उसके बाद है कुसुम। तो कुसुम का अर्थ है बुरी संगति। कुसुम से ही हमारा पतन होता है।
संग से ही हमारा पतन होता है। कंचनम, कंचन का अर्थ है सोना। सास ने बहू को कंचन का हार दिया। उसके बाद है जपमाला। जप माला का अर्थ है जप करने की माला। दादी जी जप माला लेकर मंदिर जाती हैं। दादी जी जप माला लेकर मंदिर जाती हैं। दुख का अर्थ है गम, खेद भी होता है। किसी स्पर्धा में हारने का दुख हुआ। भुजंग, भुजंग का अर्थ है सांप। भुजंग का अर्थ है सांप। तो भुजंग को देख कर ही लोग डर जाते हैं। भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। उसके आगे है हर्षे। यानी कि हर्ष भी होता है खुशी। हमें देखकर
जिसके घर हो जाता है उसके घर ही जाना चाहिए। उसके बाद है प्रश्न 3। प्रश्नों के उत्तर लिखिए, मैं बोलूंगी और आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्रश्न 3 का, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे। यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहो गे। तो यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे, यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूंगा मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। आपकी कृपा से स्वास्थ्य शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाओ और माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख न पहुंचे। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा कर सकूं। इतना समर्थ बन सकूं। और अपने देश के कुछ भी लाभ पहुंचा सकूं। इस प्रकार भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं। अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं।
तो अच्छे व्यक्ति की संगति में अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा, अच्छे व्यक्ति की संगति में अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूंगा, मैं समय का सदुपयोग करूंगा, दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है, दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है, अच्छे व्यक्ति की संगति, अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी, अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी, उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, सभी बाधाओं को दूर करने का उपाय मिलेगा, सभी बाधाओं का दूर करने का उपाय मिलेगा, जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा, जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा, इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी, उसके बाद तीसरा प्रश्न है, लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं, तीसरा प्रश्न है, लोग धर्म के नाम पर कौन कौन सा आडंबर करते हैं, लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटाजूट रखते हैं, सिर पर जटाजूट रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं, धर्म के नाम पर लोग देव देवियों के, धर्म के नाम पर लोग देव देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन लाकर, तरह तरह के व्यंजन लाकर उनके सामने रखते हैं, भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं, भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं, धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है, धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है, इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं। उसके बाद है चौथा प्रश्न, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं,
कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप प्रकोप में सब नष्ट हो जाने पर भीख मांगते हैं। कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर अपना पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं। गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं। और वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख मांगते हैं। कबीर साई से कितना मांगते हैं? तो कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। वे भगवान से उतना ही अन्न मांगते हैं जितना उनके परिवार के लिए निर्वाह के लिए आवश्यक है उनके परिवार में कोई भूखा न रहे। और दरवाजे पर आए कोई साधु संत भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं रखते उसके बाद दूसरा प्रश्न है, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? सोच समझ कर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। सोच समझ कर
कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न। चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहना चाहते हैं? तो रहीम मानते हैं उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनका प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं। परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ भी बुराइयों से अलिप्त रहता है। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।